से आपने एक धार्मिक गीत गाया तो मैं भी एक छोटा सा गीत आपको सुना रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि गीत आपको अच्छा लगेगा। नजारा हम न देखेंगे ना हो जिसमें तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे। ध्यान से ध्यान रखिएगा। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, मगर कब अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। सुरेश जी गाना इतना पसंद आ गया कि आप घुटने पर बैठ गए। आराम से बैठ जाइए रिलैक्स मोड पर। क्या बात है, एक पुरस्कार आ रहा है और यहाँ से भी पुरस्कार आ रहा है और हम धन्यवाद देने जा रहे हैं। वहाँ से भी आ रहा है भैरव बाबा के नाम। क्या बात है। अच्छा, आज तो इतवार के दिन वैसे भी भैरव बाबा को लोग बहुत मानते हैं, पूजा उजा करते हैं, तो इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आई गीत आपको सुना रही हूँ। बोलो सुनिएगा। दरबार सजा है राजा जनक जी का, माता सीता का स्वयंवर है, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं। शर्त एक ही है कि ये धनुष है, इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता को ब्याह ले जाएगा। क्या बात है। बड़े बड़े धनुधारी आए लेकिन बड़ी समस्या, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को हिला भी नहीं पाए। इस बात पर बड़े दुखी हुए राजा जनक और उन्होंने कहा कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी सिया को ब्याह कर ले जाए, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। ये बात सुनकर, चूंकि उस सभा में राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, उनके गुरु जी भी हैं, बड़ा मन खराब हुआ लक्ष्मण जी का, थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे वो, आए और आकर कहने क्या लगे, क्या कहने लगे, अगर भैया कह दे ओ, या, 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 अगर भैया कह दे ये धनु हम मरोड़ दूंगा मैं। आप प्रत्यंचा चढ़ाने की बात करते हैं, अरे उसे उठाकर मरोड़ दूंगा और क्या कर दूंगा, लेकिन कब कब, अगर भैया कह दे ये धनु हम मरोड़ दूंगा मैं,
कहने लगे लक्ष्मण जी इस पूरी ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूंगा। और उठा कंदुक के सब ब्रह्मांड पल में फोड़ दूंगा मैं। लेकिन कब? अगर भैया कह दे तो धनु मरोड़ दूंगा मैं। भैया कह दे तो धनु मरोड़ दूंगा मैं। अगर भैया कह दे तो धनु मरोड़ दूंगा मैं। अगर भैया कह दे तो धनु मरोड़ दूंगा। कथा आप लोग जानते हैं। उसके बाद भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, शादी हो गई, वापस अयोध्या आ गए। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद 14 वर्षों का वनवास हो गया। राम जी वनवास में हैं और वहां पर सीता माता को उठा कर ले जाते हैं रावण जी। और जब किडनैप हो जाता है सीता माता का, तो भगवान राम चढ़ाई करना चाहते हैं लंका पर, तो सागर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे रास्ता दे दीजिए। सागर को घमंड हो जाता है कि अरे मुझ में कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद जब प्रतीक्षा पूरी नहीं हो पाती तो भगवान राम को भी क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा क्या? राह देता नहीं सागर, भर गए आँख में शोले। राह देता नहीं सागर, भर गए आँख में शोले। राम जी लक्ष्मण से बोले, क्या भैया? लक्ष्मण धनुष लाओ। राम जी क्रोध में बोले, राम जी क्रोध में बोले, राम जी क्रोध में बोले। और कहा, घमंडी सागर का हो, घमंडी सागर का घमंड अभी तोड़ दूंगा मैं। अगली बात सुनिए। सागर ने मार्ग दिया, पुल बनने लगा। भालू मानर बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, वृक्ष उखाड़ के ला रहे हैं, उनसे पुल बन रहा है। ये खबर पहुंची लंका। मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे नाथ, आपका शत्रु राम तो बड़ा मायावी है, बड़ा चमत्कार है उसके अंदर, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पर पानी में पत्थर तैराए जा रहे हैं। रावण ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, मेरी प्रजा और मेरी रानी के मन में भी मेरे शत्रु के प्रति स्नेह आ रहा है। रावण बोले, अरे ये तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। पत्थर उठाया, धीरे से पत्थर से कहा, ऐ पत्थर, तुझे श्री राम की सौगंध है, डूबना मत। और ये कहकर पत्थर पानी में छोड़ दिया। पत्थर पानी में तैर गया। बोल सियापति रामचंद्र की, सुनिएगा बात मंदोदरी की। सुन के वो लंकापति डोला, वो लंकापति डोला, वो लंकापति डोला। अपनी पत्नी से यूं बोला, तैरेगा जल में वो पत्थर हो। तैरेगा जल में वो पत्थर जो जल में छोड़ दूंगा मैं। अंतिम बात सुनिएगा। बिल्कुल, लंका को जीता, अपनी पत्नी को घर लाए भगवान श्री राम। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक धोबी भाई साहब ने अपनी पत्नी को पीट दिया और कहा, मैं राम नहीं हूँ जो पराए पुरुष के घर रहकर आई नारी को अपना
लूं। बस भगवान राम तक ये बात पहुंची। भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्रजा को कष्ट नहीं दे सकता। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा इनको जाकर फिर से जंगल में छोड़ा हो। हुआ क्या भाई लक्ष्मण ताने सुन सुन नहीं हमसे रहा जाता, नहीं हमसे रहा जाता, नहीं हमसे रहा जाता। छोड़ जंगल में आओ जानकी को ओ मेरे भ्राता, जानकी को मेरे भ्राता, जानकी ओ मेरे भ्राता। सीता को मैं अपने पास से ही हटा देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रवि पद्मा को दूर कर कहानी मोड़ दूंगा मैं। गीत के रचनाकार श्री रवि अंकल जी को प्रणाम कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी सुना था वो कहीं बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हो तो उनसे आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा उठा कंदुक के सम्रमांड पल में छोड़ दूंगा मैं, सागर का घमंड अभी तोड़ दूंगा मैं, तैरेगा जल में वो पत्थर जो जल में छोड़ दूंगा मैं। अगर भैया कह दे ये धनु हमारो बोली राजा रामचंद्र की। हेलो हेलो एक गीत आपने बहुत अच्छा दिया। अगर तुम मिल जाओ अच्छा था, लेकिन आपकी ये लाइन थी अगर भैया कह दे ओ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। धनुआ मरोड़ देंगे हम, ये बात नहीं समझ में आया। ये क्या तोड़ देते तो फिर ठीक है। अब क्या, अब देखिए पहली बात परशुराम जी ने कही क्या, आज मिथिलापुर का यही रुख मोड़ देंगे हम। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जिस वक्त धनुआ टूट गया
परशुराम जी वहाँ पर आ गए। हेलो, भगवान परशुराम का मंदिर भी पीछे है, सामने भी दरबार है उनका। आज मिथिलापुर का यही रुख मोल देंगे, जिसने धनुआ तोड़ा शिव का, जिसने धनुआ तोड़ा शिव का उसी को तोड़ देंगे। आज मिथिलापुर का यही रुख मोल देंगे, चुपचाप चला आए रंग भूमि से मिलकर वो अपना आप आ जाए, अपने आप आ जाए, वो अपने आप आ जाए। जिंदगी का रिश्ता मिथिलापुर का यही रुख मोल दूंगा मैं, अब हनुमान जी ने कहा क्या कहा, सारी सेना अपने बल पर अकेले लंका में जाऊं, अगर ऐसा ना कर पाऊं राम का दास न कहलाऊं, राम का दास राम का दास, राम जी के परम पावन, राम की परम पावन सेवा को छोड़ दूंगा मैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, हनुमान जी ने कहा मैं अकेला ही लंका में जाऊंगा, क्या क्योंकि समुद्र पार करने की बात आ गई, कहे रीतपत सुन हनुमाना का चुप साथ रहो बलवाना, तो राम जी के परम, राम के परम पावन